चलिए नमस्कार आदाब सलाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एमडी क्लासेस का जो सत्यम सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है उसका मैथ का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो मैंने एमडी क्लासेस ग्रुप डी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो मैं वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर है। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अगर आप बैंक या एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है अनअकैडमी अल्ट्रा कैम्बेट के लिए। इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी जीत सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आपको दोपहर 12 बजे होगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम सुबह में 10 बजे होने वाला है। लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से इनरोल कीजिए। अगर आप वहाँ इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड SARAN10 जो है ज़रूर लगाइएगा। SARAN10 लगाइए और टॉप एडुकेटर के द्वारा बनाया गया प्रश्नों के साथ अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। और भाग्यशाली विजेताओं बहुत सारे जीत सकते हैं। भाग्यशाली विजेता जो हैं, अगर आपका रैंक 1 आता है तो अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 आएगा तो आपको सैमसंग का मोबाइल मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 3 आएगा तो फिटबिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर रैंक आपका 4 आता है तो 5000 तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा उन लोगों को जिनका रैंक 1 से 10 के बीच में आता है। तो जाइए, देरी किस बात की, अपनी तैयारी को जांचें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल कोड लगाइए SARAN10 और अपने तैयारी को बूस्टअप दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 7200 का 42% माइनस 4800 का 12% का मान क्या होगा। देखिए अब 7200 का 42% क्या हो जाएगा, 72 गुना का मतलब गुना होता है, 42% का मतलब हो गया 42/100 माइनस 4800 का 12% का मतलब हो गया 48 गुना 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 72 को आप 42 से गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, गुना कर लीजिए। 72 को 42 से गुना करेंगे तो 42 × 2 = 2 × 7 = 14 × 4 = 8 × 7 = 28। ये आपका 4 × 8 = 12 हाथ में 1 × 1 = 2 × 8 = 10 = 0 हाथ में, यानी 3024 माइनस ये आपका हो जाएगा 576। 3024 में से 576 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 × 6 = 8, 11 × 7 = 4, 9 × 5 = 4 और 3 × 1 = 2, यानी कि 2448 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, आपके लाइक से कुछ नहीं होगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जो है ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक प्लांट नीलामी में क्रिकेटरों के बल्लों को बेचते हैं, उन्हें शर्त मोहली से 3.6 लाख रुपये में बल्ले प्राप्त हुए। प्लांट उस पर 20% कमीशन लेता है और नीलामी से बल्ले के खरीदार के लिए प्रभावी मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3,60,000 हुआ, 3.6 लाख, यानी 3,60,000 रुपये में खरीदा है, प्लस इस पर क्या करेगा, 20% कमीशन लेगा। अब 3,60,000 का 20% कितना हो जाएगा, ये 20/100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 36 × 72 यानी कि 72,000 क्या हो जाएगा, इस पर कमीशन हो जाएगा।
प्लस 72,000 कमीशन हो जाएगा, तो टोटल मूल हमें ज्ञात कर देना है। टोटल मूल क्या हो जाएगा, 000 ये आपका 2, 7, 6, 13 हाथ में 1, 3, 4 यानी कि 432,000 टोटल मूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि पहले 7 महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत व्यय जो है 1300 रुपया था और अगले 5 महीने के लिए 1200 रुपया। यदि वर्ष के अंत में वो 2900 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए 7 महीना में, बात को समझिएगा, 7 महीना में अगर वो 1300 व्यय करता है तो कितना होगा, 1391 रुपया हो गया 7 महीना में। 5 महीना में वो कितना व्यय करता है तो 1200 रुपया यानी कि 12×5=60 यानी कि 6,000। टोटल ये कितना हो गया, 9,615,100 रुपया। अब वो साल के अंत में 2900 रुपया बचाता है, अगर ये 2900 रुपया साल के अंत में बचाता है तो इसका टोटल कमाई कितना हो जाएगा, 0, 9, 10 के 0 हाथ में 5×6 यानी कि 18,000। अगर वो 18,000 रुपया साल का कमाता है तो महीने का कितना हो जाएगा, 12 से भाग दीजिए, ये कट जाएगा आपका 12×1=12, 12×5=60 यानी कि 1500 रुपया वो महीने का कमाता है। उसकी मासिक आय कितना हो जाएगा, 1500। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दिया है 572+38×0.5, क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम एक्स ले लेते हैं, प्लस में 10। ठीक है, अब देखिए 572+38 को 1/2 से भाग दीजिए तो ये आपका 19 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 10। अब इस 10 को हम इधर लेके आएंगे तो 19 में से 10 जाएगा 9 यानी कि 572+9=x, तो एक्स का मान हो जाएगा 9 × 11=1 हाथ में 581। कितना हो जाएगा, एक्स का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 581। तो ऑप्शन बी जो है ये आपको क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है कि यदि √3^5×9²=3^n×3√3 हो तो n का मान हमसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। देखिए इस केस में हमको बेस जो है समान कर देना होगा, बेस यानी कि यहाँ 3^n है तो इन सभी को 3 के इसमें तो हम फॉर्म में लाना होगा ताकि n का मान हम निकाल सकें। अगर देखिए इस √3, एक और चीज़ यहाँ पर आप जानेंगे, 1^n×1^n क्या होता है, 1^n+n होता है, बात समझिएगा। अगर हम यहाँ √3^4×√3^1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 9 का स्क्वायर है तो हम लिखते हैं 3^2 का स्क्वायर। अगर क्या होता है, 1^m×n होता है तो ये दोनों आपस में 1^n×n हो जाता है। हम इसी फॉर्म में इसको लिख दें, ये बराबर किसके हो गया, 3^n×3√3। अब देखिए √3^4 है तो ये देखिए √3×√3×√3 यानी कि ये हो जाएगा √3×√3×√3 3 हो जाएगा, √3×√3 ये 3 हो जाएगा, यानी 3×9 ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, गुना √3 को √3 रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है, गुना है, बात समझिएगा। ये हो जाएगा 3^4, ये हो जाएगा 3^4 = 3^n×3√3। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ देखिए, ये 9 है ना, इस 9 को हम यहीं पे तोड़ देते हैं 3×3। अब देखिए 1^m×1^n यानी कि 3^4 × 3^1। अब देखिए ये 3√3 को काट देते हैं, 3√3 कर जाएगा। अब यहाँ बच गया 3^1 × 3^4, ये क्या हो जाएगा, 3^5 = 3^n। अब बताइए n का मान निकल नहीं गया, पावर n को क्या कर देंगे, n का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा।
एन का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेस को बराबर कर दीजिएगा तो जो पावर में होगा वही एन का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न प्रश्न में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करना है। 3140 माइनस 55 गुना 1422 भागा में 79 बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देते हैं, 22 प्लस 1428 भागा 8.4, ठीक है। अब देखिए ये तो 3140 है, इसको 3140 रहने दीजिए, माइनस इसको 55 रहने दीजिए, पहले भाग का काम करेंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 790 10, यानी ये 18 बार में इसको काट देगा, कितना बार में, 18 बार में, एक्स गुना 22 प्लस 8.4 1428 को कितना बार में काट देगा, ये आपको 170 बार में काट देगा। अब देखिए 55 और 18 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 90 यानी कि 900 और 18 5 90 यानी कि ये हो जाएगा 3140 माइनस का 990। अब ये 170 यहाँ प्लस में उसको भी इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 170 जो कि 22 एक्स के बराबर होगा। अब देखिए 3140 में से 990 और 170 जोड़ देंगे तो 0 9 16 के 6 हाथ में 1 9 10 11, ये हो जाएगा 1160 बराबर 22 एक्स। अब घटा देंगे 0 से 0, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 और ये आपका हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 3 में से ये आपका 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा 1880 बराबर 22 एक्स। तो एक्स का मान हमने निकाल लेंगे जी, 188 1880 बटा 22, ये कितना बार कट जाएगा, 9 दुनिया 18 22 नवा 188, यानी ये एक्स का मान क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क जहाँ था उसका मार्क क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए तथा बी की आयु में 6 का अंतर है, तो आयु 3:5 के अनुपात में तो उनके आयु का जो क्या हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। अब इन दोनों के आयु का अंतर जो है इतना 6 है, अब देखिए 3 से 5 है यानी 2 रेशियो का वैल्यू में कितना का अंतर है, 6 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू में अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न कर रहा है उनके आयु का जो क्या हो जाएगा, 3 5 8 8 × 3 कर दीजिए, यानी कि उनके आयु का जो कितना हो जाएगा, 24, या कहिए तितरी का 9 साल का ये होगा, 5 15 साल का ये होगा, 9 15 इसे भी जोड़ दीजिएगा तो आपका 24 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि 56 और 50 का लघुतम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है कि लघुतम समापवर्तक क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए ना, 2 से 28 दुना 56 25 दुना 50, इससे आगे जाएगा, हमको नहीं लगता कि इससे आगे जाएगा, 25 दुना 50 0 8 5 40 के 0 हाथ में 4 5 दुना 14 5 दुना 10 4 14, यानी इसका लघुतम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:3 है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पूर्व बी की आयु के बीच का अंतर जो है ये 20 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब देखिए अगर हम इसे 5x मान लें, इसे हम 3x मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है ए की उम्र 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ए की उम्र क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, और इसका बी का उम्र जो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 3x - 4, इन दोनों का जो अंतर है ना वो 20 साल के क्या है, बराबर है, इन दोनों के आयु के बीच का अंतर जो है ये 20 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु हमसे पूछा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। अब देखिए निकाल देंगे, 5x + 10 - 3x + 4 = 20, 5 में से 3 जाएगा 2x, 10 4 14 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 20 - 14
2x का मान क्या आ जाएगा 20 - 14 = 6, तो x का मान क्या आ जाएगा 3। जब x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3 × 5 यानी कि 15, और b की वर्तमान आ जाएगी 3 × 3 यानी कि 9। तो हमसे a की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पीतल और तांबा का, पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात 11:14 है। 150 किलो पीतल में तांबे की कितना मात्रा होगा? तांबा और जस्ता का जो अनुपात दिया है वो दिया है 11:14, जो कि 150 किलो के बराबर है। 11 + 14 यानी कि 25 का वैल्यू अगर 150 किलो के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि तांबा की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 11 × 6 यानी कि 66 किलो किसका हो जाएगा, तांबा का मात्रा 66 किलो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? अगर हमने मान लिया एक विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, तो इन दोनों का वर्गों का संख्या का जो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का अंतर किससे विभाज होगा, तो 8 से विभाज होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि x माइनस 1/x का मान 10 हो तो x प्लस 1/x का किसके बराबर हो जाएगा? अब देखिए, कभी भी x माइनस 1/x का मान 10 होता है, तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर बटा 1 + x² का मान निकाल लें तो इस संख्या का स्क्वायर प्लस 2 होता है। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x का मान a दिया रहता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2। ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर + 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 102। अब हमसे पूछा है एक्स प्लस 1/x का मान हमको चाहिए। अब एक्स प्लस 1/x का मान चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। अगर हम कहें एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, ये क्या खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स कट जाएगा एक हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमने क्या निकाला है 102, ये क्या हो जाएगा 102 + 2 यानी कि 104। यानी अब यहाँ से एक्स प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं √104 क्या हो जाएगा √104। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 26 लिख सकते हैं, ठीक है 4 × 26, तो √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा यानी कि 2√26 क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा 2√26। तो ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत का, बात 3/2 है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 2 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है तो लाभ या हानि होगा, हर केस में हानि होगा। मान लीजिए आपने 3 रुपया का सामान खरीदा, 2 रुपया में बेच दिया, तो कितना का हानि हुआ आपको 1 रुपया का हानि होगा। किसके हानि या लाभ जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी कि क्रय मूल्य पे होता है। तो 1/3 × 100 यानी कि आपको 33.5% का यहाँ क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है कि दो कार्य ए और बी शहर सी से शुरू होकर शहर डी तक चलती हैं, यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है और धीरे चलने वाली कार का औसतन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और तेज चलने वाली कार से 1 घंटा अधिक लेती है, तब चलने वाली कार तेज चलने वाली कार की गति क्या है? बात समझिएगा, समय क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ हो जाएगा पहला केस में दूरी बट्टे में 4। दूरी आपका कितना है
540 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, यानी कि 9×54 यानी कि 6 घंटे का समय लेता है। ये धीरे चलने वाली जो कार है वो लेता है, और तेज चलने वाली कार इससे 1 घंटा कम समय लेता है, ये 6 घंटा लेता है, तो कितना घंटा लेगा, 5 घंटा लेगा। कितना घंटा लेगा, 5 घंटा लेगा। अब उसका चाल क्या हो जाएगा, चाल उसका निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाल इधर जाएगा, समय इधर आ जाएगा, यानी कि दूरी बट्टे में समय, यानी आपने कितना दूरी कितने समय में किया है वही आपका चाल हो जाएगा। तो 540 को 5 से भाग दे देंगे, 5×5 8×5 40 यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि धनराशि 5000 रुपये के लिए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है यानी रेट ज्ञात करना है। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया है 5000 रुपया, टाइम आपको 2 वर्ष के लिए दिया है, CI और SI का अंतर 32 रुपये दिए हैं। देखिए जब 2 साल का केस होना, सिर्फ 2 साल के, ओनली टू ईयर्स, जब 2 साल का केस हो और CI और SI का अंतर दिया होता है, ये होता है PR² / 100² यही फॉर्मूला होता है। CI और SI का अंतर कितना है, 32, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 5000, रेट आपसे निकालना है तो R² रहने दीजिए, नीचे 100 × 100 कर दीजिए, 2 बार है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 5×2 = 10 यहाँ कट गया, 32 × 2 = क्या हो जाएगा, 64 = R², यानी R का मान क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8% रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 1 सेकंड में कितना दूर चल, देखिए 1296 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1296 को 5/18 से गुणा कर देंगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 × 1 = 3, 9 × 3 = 12, 6 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, 2×2 = 4, यानी 5×10 = 0, हाथ में 1, 5×7 = 35, 36, यानी कि 360 मीटर/सेकेंड इसका चाल हो जाएगा, तो यानी कि 360 मीटर/सेकेंड, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकेंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में जाने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी ट्रेन की गति क्या हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, समय इतना है, तो पहला का चाल क्या हो जाएगा, यानी कि गति यहाँ पर लिख देते हैं, चाल हो जाएगा दूरी बट्टे में समय, यानी उससे 10 सेकेंड का समय लगेगा किसको, पोल को पार करने में। अब विपरीत दिशा में जाने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, अब देखिए जो भी अगर ट्रेन होता है, ट्रेन की जो दूरी होती है, मान लीजिए एक ये ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, अगर बात समझिएगा, ये जो दूरी है इसका भी 200 मीटर है, इसका भी 200 मीटर है, तो जब एक समय आएगा जब ये लोग यहाँ पर ट्रेन जब मिलेगी, तो ये दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेगी, तो इसकी सापेक्ष जो चाल हो जाएगी, दूरी होगी वो 400 मीटर हो जाएगी, बात समझिएगा, इसका और इसका दोनों का कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है अगर वो 10 सेकेंड में पार करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए दूसरे को पार करने में मान लीजिए हमको एक समय लगता है, यानी 1 सेकेंड में पार करती है दूसरा, या उसका गति जो है 1 मीटर/सेकेंड होगा मान लीजिए, तो दूसरे ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमारे पास चाल यहाँ पे क्या आ गया है, 10 मीटर/सेकेंड आ गया, बात समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। अगर मान लीजिए इसे 10 सेकंड का समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है, तो चाल क्या हो जाएगा, पहले का ट्रेन का चाल प्लस दूसरा का, तो इसका चाल क्या है, 10 है, मान लेते हैं इसका 1 है, तो 10 + 1, दूरी कितना हो गई, 400, 10 सेकंड में पार करता है, तो 10 से भाग दे दीजिए, ये 40 हो गया, यानी 10 + x का मान 40, तो x का मान क्या हो जाएगा, 30 मीटर
पर सेकेंड, यानी अगर इसका 10 मीटर पर सेकेंड चाल है तो इसका क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कह रहा है कि नहीं है, ये क्या है, 2x + 4 - 11 = x - 3 + 6 ऑप्शन ए है। तो पहले का ऑप्शन है ये, देखिए 2x² + 8x - 11 x² - 3x + 6। अब देखिए ये x² इधर आके क्या हो जाएगा, x², ये 8 3x इधर आके प्लस 11x, 6 इधर आके माइनस का 17x। ये तो द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण तो है। दूसरा देखते हैं, 4x² - 5x² है, सी जो है नहीं होगा। देखिए तीसरा जो ऑप्शन है सी, क्योंकि देखिए x + 2 - 15 = x - 5 + 11, ये हो जाएगा x² + 2x - 15, ये हो जाएगा x² - 5x + 11। अगर x इधर आएगा तो x कट जाएगा, तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि त्रिभुज ABC बिंदु B पर समकोण है, त्रिभुज है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन सी का मान ज्ञात करना। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखिए बी पर समकोण है, ये बी है, ये ए है, ये आपका सी है, ये बी पर समकोण है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये साइन ए कह रहा था थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, ये लंब बटा कर्ण यानी कि ये 3 होगा, ये 5 होगा, और हम ट्रिपलेट जानते हैं कि 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि टेन सी का मान क्या होगा, यानी कि इस कोना से टेन सी का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, क्या हो जाएगा, 4/3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक नल एक टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये एक नल है जो 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, ये खाली करने वाला है तो माइनस लिख देते हैं। दूसरा नल टैंक को 45 मिनट में खाली, ये खाली करने वाला है, तो बी जो है खाली करने वाला कितना में, 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ काम करें तो टैंक को खाली करने में कितना का समय लगेगा, 30 और 45 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक ही अगर हम क्षमता देख लें तो क्षमता क्या हो जाएगा, 90/30 यानी कि 3, और बी की क्षमता हो जाएगी 90/45 यानी कि 2। अब देखिए ए और दो दोनों मिलके 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा, 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 90 लीटर पानी अगर 5 के एफिशिएंसी से निकाल देगा तो 18 मिनट में क्या कर देगा लोग, खाली करके रख देगा लोग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि त्रिज्या के एक गोले का और त्रिज्या आर के एक बेलन का आयतन समान है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इन दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से h का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा πr²h। पाई से पाई कट गया, r² से r³ को यहाँ काट देंगे। अब h का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये आपका हो जाएगा 4/3 r, यानी h क्या निकल के आ गया, 4r/3। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि एक फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई की 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 20 m² है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या हो जाएगा। एक फर्श की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 125%, अगर चौड़ाई की 125% अधिक है, अगर हम कहें कि अगर चौड़ाई जो है x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, x गुना 125%,
125% को अगर लिख देते 125/100 यानी कह सकते हैं 1.25x क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई हो जाएगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जो कितना दिया है 20 मीटर स्क्वायर, यानी 20 का वैल्यू दिया है एक्स इंटू 1.25x। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 20/1.25, यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 16 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब x का मान 4 आ जाएगा, अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी हो जाएगा 1.25 गुना 4, ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 + 4 = 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अमित और अनिल एक काम को क्रमशः 14 और 16 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो वो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अमित 14 दिन में कर सकता है और अनिल जो है, अमित और अनिल ये 16 दिन में कर सकता है। 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 ये आपका 14-16 का एलसीएम आपका हो जाएगा 2×7=14, 2×8=16, 8×7=56, 56×112 ये कितना हो जाएगा 112। यानी ये अमित की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर अमित की क्षमता देखा जाए तो अमित की क्षमता हो जाएगी 8 और अनिल की क्षमता हो जाएगी 112×16 यानी कि 7। अगर ये दोनों इस काम को समाप्त करना चाहें तो कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अमित प्लस अनिल जो है अगर काम करें 8+7=15 की स्थिति से 112/15 काम को 112/15 दिन में निपटा देंगे, तो 112/15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक अर्धवृत्त जिसकी व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि उसका कुल क्षेत्रफल एक 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत के क्षेत्रफल के समान है तो उस आयत की लंबाई जितना भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 πr² यानी 1/2 22/7 गुना आर का स्क्वायर यानी कि 14×14, 2×7=14 कट गया, 22 को 14 से गुना कर देंगे 22×2=220 और 22×4=88 यानी कि 8 308 हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो है इसका कुल क्षेत्रफल 11 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के समान है, यानी ये आयत के क्षेत्रफल के समान है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 308 गुना यहाँ पे चौड़ाई दिया है तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 11, यहाँ से लंबाई क्या निकल के आ जाएगा 11×22, 11×8=88, लंबाई कितना निकल के आ गया 28 आ गया। अब हमसे कह रहा है लंबाई जितने भुजा होने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग अगर इसका भुजा 28 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी बना दीजिए, हमने बना दिया ए बी सी, कौन सी हमारा समकोण है, कौन सी 90 डिग्री है, कौन ए का मान 65 डिग्री है, कौन ए का मान 65 डिग्री है, तो कौन सी बी ए का मान यानी इस कोण का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, अगर एक कोण 90 डिग्री है दूसरा 65 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 9, 6, 15, 155 डिग्री, यानी कि 180 में से 55 डिग्री घटा दें तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।